हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। ये वीडियो एक मॉक टेस्ट है जो कि यल्टी ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर यानी कि जीएस लिए बनाया गया है। यल्टी ग्रेड का जो पेपर होगा उसमें सिर्फ एक पेपर होगा जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन उसके दो खंड होंगे और ये जो दोनों खंड होंगे मिला के 150 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। जो पहला खंड होगा वो जीएस का होगा, इसमें 30 प्रश्न होंगे। जो दूसरा खंड होगा वो आपके सब्जेक्ट पर होगा और इसमें 120 प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के अगर आप सही उत्तर देंगे एक प्रश्न का तो आपको एक अंक मिलेगा, गलत उत्तर देने पर आपके एक तिहाई यानी कि 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो इस मॉक टेस्ट में इसी रूल को फॉलो किया गया है। जीएस के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जैसा कि सिलेबस बनाया गया है यल्टी ग्रेड परीक्षा के लिए, उसी के अनुसार इसमें आपको सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। और चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो रेगुलर अपडेट्स आपको नहीं मिलेगा, आगे के मॉक टेस्ट में आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और इस मॉक टेस्ट में और आगे के मॉक टेस्ट में जो भी प्रश्न हैं वो प्रश्न बहुत ही संभावित हैं और आगे की परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। और चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। सवाल है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या शंकर शाह। पहला सवाल है, मैं रूल्स आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। मैं एक एक करके सभी सवाल पढ़ूंगा, उनके ऑप्शन दूंगा और आपको जो भी उत्तर सही लगता हो आप प्रश्न संख्या लिखेंगे, उसके आगे अपना उत्तर आप दर्ज कर लेंगे। उसके तुरंत बाद मैं उसका उत्तर बताऊंगा और उसकी व्याख्या भी दूंगा। अगर आपका उत्तर सही था तो आपको एक अंक मिलेगा, गलत उत्तर देने पर आपके एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ऑल ओवर 30 नंबर में आपको कितने अंक प्राप्त होते हैं। और इसे अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में शेयर करके और लोगों के सापेक्ष अपनी स्थिति को जान सकते हैं। तो सवाल था कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए थे और अब सही विकल्प बताने का समय आ गया है। सही विकल्प है ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। और अब आप मिलान कीजिए, आगे के प्रश्नों में इन चीजों को मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधे प्रश्न बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा, बस। आगे चलते हैं। मुसलमान यदि खुश एवं संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है। चार ऑप्शंस, हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लेटन, W.W. हंटर, H.N. बेल्सफोर्ड। किसने लिखा है और सही विकल्प इसमें कौन सा है। जी हाँ, इसमें से सही विकल्प है W.W. हंटर ने लिखा था ये। अगला सवाल है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि मैं इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसमें सहायक बनूं, यह किसने लिखा है। चार ऑप्शंस, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने। और इसमें सही विकल्प क्या है, ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इन स्टेटमेंट्स को भी आप याद रखिएगा। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। ऑप्शंस, बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा। और सही विकल्प ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। और इसी के बाद चंपारण का आंदोलन हुआ। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, ये सवाल है। और विकल्प हैं, एनजी रंगा, ईएमएस नंबूदरीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। और सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था। लंदन में 13 मार्च 1940, तिथि याद रखिएगा 13 मार्च 1940 को, सर माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर कौन था, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का अभियुक्त माना जाता था। इसी ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बहुत सारे भारतीयों की हत्या करवा दी थी गोली चलवाकर। तो उसकी हत्या कर दी गई थी 13 मार्च 1940 में। और हत्या करने वाला व्यक्ति था मदन लाल ढिंगरा, बी डी सावरकर, ऊधम सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प क्या होगा, जी हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन सी, ऊधम सिंह। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था, 1919 में। तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा गया, इसलिए इस मॉक टेस्ट में इसने अपनी जगह बनाई है। और इसका सही जवाब होगा लॉर्ड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर या लॉर्ड सेलिसबरी। सही विकल्प क्या है, जी हाँ, ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड जॉर्ज। दीपा मलिक, नाम सुना होगा आपने, किस खेल से संबंधित है, एरोबिक से, एक्वेटिक से, एथलेटिक्स से या फिर तीरंदाजी से। सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है ऑप्शन सी, एथलेटिक्स। पैरागोनियम मरुभूमि, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये मरुभूमि, ये एक मरुस्थल है। यह कहां पर स्थित है, मध्य अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया या दक्षिण अमेरिका।
और सही विकल्प है ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है पैरागोनियम मरुभूमि। हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक कृषि संग्रहालय का लोकार्पण हुआ है जो स्थित है कहां पर, रायपुर छत्तीसगढ़ में, रायबरेली उत्तर प्रदेश, राजकोट गुजरात या रेवाड़ी हरियाणा में, कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए सही है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यानों से सवाल पूछे जाते हैं तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनकी आप एक सूची बना लीजिएगा, और यहां पर पूछा जा रहा है कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या हरियाणा में, और इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, गुजरात में। 3960 मेगावाट, मेगावाट को DMW से इंडिकेट करते हैं कि शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा नाम, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भारत सरकार की चार अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट में से एक है, यह भारत के किस राज्य में है? शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश, और सही विकल्प क्या है? जी हां, सही विकल्प है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल, विश्व का सर्वाधिक बड़ा मानवतावादी संगठन, नाम है विश्व खाद्य प्रोग्राम, इसको याद रखिएगा, जो कि भूख एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है, का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन, रोम इटली, लंदन यूके या नैरोबी कन्या, कहां पर है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, इसका मुख्यालय रोम में है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व हैबिटेट दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस या विश्व शिक्षक दिवस, सही विकल्प क्या है? ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सही विकल्प क्या है? देखिए जो प्रधानमंत्री होता है इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसलिए इसकी नियुक्ति सीधे सीधे राष्ट्रपति नहीं करता है, ऑप्शन ए आपका सही है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किससे? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सही विकल्प क्या है? ऑप्शन डी सही है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो यहां पर है विकल्प संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, सही विकल्प है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक के संबंध में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, देखिए जितने भी इंडेक्स होते हैं वर्ल्ड वाइड उनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं तो, और खास तौर से जो पिछले एक या दो साल में जो इंडेक्स सामने आए रहते हैं तो इसलिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे जितने भी सवाल बनते हैं उनको आप याद रखिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2017 में भारत किस स्थान पर है? जवाब होगा 81वें स्थान पर, 78वें, 75वें या 80, और सही विकल्प है ऑप्शन ए, 81वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और द्वारा जारी एक सूची के अनुसार वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति GDP में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह भी वर्ल्ड वाइड इंडेक्स पर आधारित है इसलिए यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब होगा 126वां, 104वां, 95वां या 74वां, और सही विकल्प इसका है ऑप्शन ए, 126वां स्थान। ऑक्सफार्म रिपोर्ट, ये काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी जो कि 2018 में आई थी, के अनुसार भारत के 1% धनवानों का 2017 में भारत में सृजित कितनी संपत्ति पर कब्जा है? विकल्प है 73%, 67%, 54% या 49%, और सही विकल्प क्या है? जी हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन ए, 73% पर कब्जा है सिर्फ 1% धनाढ़ियों का। हॉर्नबिल उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड या मेघालय, और सही विकल्प है इसमें ऑप्शन सी, नागालैंड का उत्सव है हॉर्नबिल उत्सव। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नागालैंड से कभी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। किसे ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है? एरिस्टोटल को, यूक्लिड को, पाइथागोरस को या फिर कैपलर को,
और सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है यूक्लिड। यूक्लिड कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्रीक देश के रहने वाले थे, इसको आप याद रखेंगे। और नाम था अलेक्जेंड्रिया, एक देश पड़ता है अलेक्जेंड्रिया, इसको भी आप याद रखेंगे। और इनका जो समय था वो लगभग 300 BC के आसपास था। एक चतुर्भुज के तीन आंतरिक कोण क्रमशः 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री हैं, तदनुसार चौथा कोण क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी चतुर्भुज होता है उसके अंदर के जो चारों कोण होते हैं उन चारों कोणों का योग कितना होता है? अगर इन चारों कोणों को आप जोड़ेंगे तो इनका टोटल योग चार समकोण यानी कि 360 डिग्री होता है। तो यहां पर दिए गए हैं तीन कोण, एक कोण है यहां पर 60 डिग्री का, दूसरा कोण कितना है 120 डिग्री का, तीसरा कोण कितना है 90 डिग्री का। तो इसको आप जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 360 में से जितना भी आएगा उसको आप घटाएंगे और आपका उत्तर कितना आएगा? आपका उत्तर आएगा 90 डिग्री, यानी कि जो जो चौथा कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। किसी वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? हरा और बैंगनी को, लाल और हरा को, सफेद और पीला को, या काला और पीला को? तो जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं, ये वर्णांधता जो होती है ये आनुवंशिक रोग है, और इसमें क्या होता है, रेड एंड ग्रीन जो रंग होता है इसमें व्यक्ति को पहचानने में दिक्कत होती है। प्रकाश बोल्टी सेल क्या है? इसको सौर सेल माना जाता है, थर्मल सेल माना जाता है, सल्फर सेल या मोलर सेल, कौन सा सेल माना जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि फोटोवोल्टिक सेल, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, और ये एक सौर सेल है यानी कि ये एक सोलर सेल मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? जवाब होगा खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर या नजीबाबाद, और सही विकल्प है ऑप्शन ए खतौली। खतौली कहां पर है? खतौली है मुजफ्फरनगर में, ठीक है, और ये एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसे आप BPO भी कहते हैं, BPO उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में या वाराणसी में? सही विकल्प है ऑप्शन सी, सबसे बड़ा जो केंद्र है वो नोएडा में है, IT और BPO का। अगला सवाल है, पुस्तक का नाम है कारगिल टर्निंग द टाइड के लेखक हैं मोहिंदरपुरी, अनीता नायर, चेतन भगत या दुर्जय दत्त? सही विकल्प है ऑप्शन ए मोहिंदरपुरी। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के 100% के बराबर है तो यक्स का मान क्या होगा? चार विकल्प आपके सामने हैं, 70 है, 60 है, 80 है, 90 है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं? यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए की आय का 60% यानी कि ए गुड़े 60% को आप लिख सकते हैं 60/100 बराबर क्या है? बी की आय का 75%, ठीक है। अब यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और जब आप यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? आएगा बी गुड़े 75, क्योंकि यहां से 100 से कैंसिल हो जाएगा और ये 60 जो का नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गई अब ए की वैल्यू। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है बी की आय ए की आय के 100% के बराबर है, यानी कि जो बी की आय है वो ए की आय के 100% के बराबर है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे और जब आप ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? बी गुड़े 75/60 गुड़े एक्स बटा 100, और ये वैल्यू क्या है? ये बी के बराबर है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा। अब आप आसानी से यक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या बचेगा? यक्स गुड़े 75/100 × 60, क्योंकि ये दोनों यहां पर डिवाइड है, इधर जाके इनसे गुड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से आप जब यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 80, ठीक है। तो इस तरीके से विकल्प सी आपका सही होगा। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, और ये इस मॉक टेस्ट का अंतिम सवाल भी है, और विकल्प है आपके सामने सेरेबलम, मेडुला ऑब्लोगांटा, सेरेब्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं, और सही विकल्प है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ऑप्शन सी सेरेब्रम। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस वीडियो का अंतिम सवाल, उम्मीद है कि आपने ईमानदारी से ये टेस्ट दिया होगा और इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है।
मैंने बिल्कुल वही चीज़ रखी है इसमें जैसे कि पेपर में पूछा जाएगा। प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हार्ड इसलिए रखा गया ताकि आपकी तैयारी का स्तर थोड़ा सा ऊंचा रहे और आप आसानी से जो है जीके में कम से कम 30 में से 25 सवालों को आराम से हल कर लें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जैसा कि आपको पता है कि एलटी गेट परीक्षा में इंटरव्यू नहीं है और सिर्फ मेरिट के आधार पर ही आपको नौकरी मिलनी है, तो ऐसा गोल्डन चांस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक अंक अर्जित करने की आप कोशिश कीजिएगा। ये इस वीडियो का एंड है। अगर हमारा वीडियो, ये मॉक टेस्ट, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि रेगुलर आपके लिए ऐसे मॉक टेस्ट लेकर आते रहें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक एस्पायरेंट को मिल सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो रेगुलर अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन सीधा पहुँच सके और आप तुरंत वीडियो को देख सकें। मैं वीडियो बहुत फ्रिक्वेंटली अपलोड करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी हमारे साथ बने रहना होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी अच्छी तैयारी के लिए ये चैनल संकल्पबद्ध है, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।